हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एससी वर्मा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कुछ इस प्रकार है, फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर व्हिच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले यह कहा गया है कि हमें इस सी ब्लॉक का मास निकालना है। किस कंडीशन में? जब ये ए ब्लॉक स्लिप नहीं हो रहा है। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं और ये ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। आपको बता दूं कि हमेशा नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ब्लॉक ए है, इस पे नॉर्मल फोर्स कहां रहेगा? यहां रहेगा। एम जी हमेशा डाउनवर्ड रहता है, इसमें कुछ बदलता नहीं है। और ये थीटा है तो यहां थीटा बनेगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा बनेगा। तो ये थीटा बनेगा, तो ये mg cos थीटा और ये बनेगा mg sin थीटा। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने सूडो एक्सीलरेशन के बारे में बताया था, मैंने आपको कहा था कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका एक एक्सीलरेशन जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन उस एक्सीलरेशन के अपोजिट इक्वल और अपोजिट होती है। तो सेम टू सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा। यहां पर इस ब्लॉक पर एक एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ये टेंशन अगर यहां लग रहा है तो ये टेंशन यहां लग रहा है तो इस पर भी एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, लेकिन इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और अगर ये थीटा है तो यहां पर होगा ma cos थीटा। क्यों होगा? क्योंकि अब ये बेसलाइन यहां बनेगी, क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट होगी ना, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन इस बेसलाइन से। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि यहां पर होना चाहिए, लेकिन यहां इसलिए होना चाहिए कि यही बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन को बेसलाइन यहां मानेंगे। और ये mg ma cos थीटा यहां रहेगा और ma sin थीटा यहां रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल फोर्स इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर लेगा और ये फोर्स को बैलेंस करेगा। तो एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम एम कैंसल, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर चलते हैं, ब्लॉक सी पर चलते हैं। इसमें एम हैंगिंग है, नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब वेट नीचे की ओर लग रहा है। तो ये हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू ma। तो mg ट्रांसपोज करते हैं, ma इक्वल टू टी, m गेट कॉमन, g माइनस a इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम बात करते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर जब बात करते हैं टी, तो ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के वेट और एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी यहां होगा m डैश, क्योंकि ट्रायंगुलर ब्लॉक का मास m डैश है, छोटा वाला ब्लॉक इसी के ऊपर रखा हुआ है तो ये m है, और इन दोनों का मिलाकर के एक्सेलरेशन किसके बराबर रहेगा? t के बराबर रहेगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा? एम जी माइनस ए इक्वल टू टी, एम डैश एम सॉरी यहां पर ए रहेगा, कंपेयर किया ना। अब यहां पर हमें तो एम चाहिए, तो एम डैश एम ए जी माइनस ए। अब ए की वैल्यू हमारी इक्वेशन में जी टेन थीटा लिखा हुआ है, तो एम डैश एम जी टेन थीटा अपॉन जी माइनस जी टेन थीटा। अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जी टेन थीटा का डिवीजन लगा दीजिए, तो आपको मिलेगा जी टेन थीटा का, यहां डिवीजन लगा दिया वन हो गया, जी टेन थीटा का डिवीजन लगा दिया तो कॉट थीटा हो गया, और जी टेन थीटा का यहां से डिवीजन हो गया तो वन हो गया। ये आपका आंसर रहेगा। किस कंडीशन में?
जिस कंडीशन में ये स्लिप नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना न भूलें, और आपके बहुमूल्य कमेंट्स जरूर लिखिए। धन्यवाद।